हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ जुड़े हुए संतोष जी, जिन्होंने इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर कॉमर्स के अंदर JRF अकम्पलिश किया एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ। तो स्वागत करते हैं संतोष जी का। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे, बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने JRF अकम्पलिश किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये उत्सुकता रहती है सबको कि इनका स्कोर कितना था, तो आप बता दीजिए, अपने मुंह से खुद ही बताइए स्कोर क्या था। 204 थे, 204 नंबर, टू ओके, हंड्रेड टू फोर हंड्रेड आउट ऑफ फोर थ्री मार्क्स थे हंड्रेड इनके, तो इन्होंने 204 मार्क्स यानी जी कि 102 क्वेश्चन इन्होंने सही किए थे। तो एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ जी इन्होंने क्वालिफाई किया एग्जामिनेशन को। और आपका जो शिफ्ट था वो भी बता दीजिए एक बार। शिफ्ट शिफ्ट टू थी मेरी, शिफ्ट टू थी शिफ्ट इनकी, टू इवनिंग शिफ्ट में जी सर एग्जाम दिया इन्होंने, और इस शिफ्ट के जी अंदर एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर इन्होंने अकम्प्लिश किया। तो बहुत बहुत बधाई आपको संतोष जी। तो अभी संतोष जी के थैंक साथ यू सर। जुड़े हैं और उनकी स्ट्रेटेजी जानते हैं कि संतोष जी, कैसे आपने अपना पढ़ाई शुरू किया, कब आपने डिसाइड किया कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, और कैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट किया। सर मैंने 6 महीने पहले ही शुरू किया था एग्जाम के, 6 मंथ्स पहले शुरू किया था। तो पहला काम तो मैंने ये किया कि सिलेबस में जो भी दे रखे हैं जो भी सिलेबस में है पॉइंट्स या टॉपिक्स, उनको एक एक करके कवर करना शुरू किया। तो जब सारा कंटेंट जब मैं कर रहा था तो साथ में अपने नोट्स भी बना रहा था, तो और अपने हैंड रिटन नोट्स। उसके बाद ये था कि जो आपकी वेबसाइट में आपने फ्री स्नैपशॉट्स दे रखे हैं यूनिट्स के, हर एक सब्जेक्ट के आपने दे रखे हैं हर यूनिट के, तो जिसने भी अगर कंटेंट एक बार पढ़ लिया है उसके लिए वो यूनिट स्नैपशॉट रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनफैक्ट आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस का जो यूनिट स्नैपशॉट है, हर बार लगभग लगभग उसी से पूरा कवर हो जाएगा किसी का भी। मतलब अगर इंटरनेशनल बिजनेस का कंटेंट उसने पढ़ रखा है आपके यूट्यूब या आपके कोर्स से, उसके बाद अगर वो स्नैपशॉट को देख ले, आपके लेक्चर को देख ले और PDF पढ़ के, फिर मैंने क्या किया उस PDF को पढ़ के अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए ताकि और शॉर्ट में रिवाइज हो सके एग्जाम के टाइम में। तो मैं क्या करता था कि जितना पहले मैंने कंटेंट सारा का सारा खत्म किया, फिर जब रिविजन कर रहा था तो जो आपके स्नैपशॉट्स थे उसको भी और शॉर्ट करके लिखा अपनी लैंग्वेज में, अपनी राइटिंग में, ताकि जब रिविजन हो सके तो बहुत आसानी से हो सके। जी और दूसरी चीज ये की कि 10-12 दिन पहले एग्जाम के PYQs लगाना शुरू कर दिए थे। PYQ पहले भी लगाता था बट 10 दिन पहले से मतलब डेली लगाने शुरू कर दिए थे ठीक है PYQ, और ठीक है साथ में वो जो रिवीजन के नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स थे उनको रिवाइज करना चालू कर दिया था। ठीक है तो हर दिन एक पेपर लगा के उसका एनालिसिस करके और जो रिविजन के नोट्स थे वो करना लास्ट 10 डेज में, तो इस तरह से हो गया था, आसानी से हो गया था। ओके ओके। तो संतोष जी, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा, सेकेंड अटेम्प्ट ओके, और पहला अटेम्प्ट आपने जो दिया था वो कब दिया था? वो इसी बार दिया था, लास्ट वाला जो इसके पहले था, ओके, दिसंबर के तो पहले जो अभी जून में आपने होता है। बताया कि 6 महीने हाँ पहले ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आई थिंक वो आपने जी जी प्रिपरेशन जी के स्टार्ट में ही दे दिया, जस्ट टू गेट टू नो कि जी वो तो एग्जामिनेशन किस हाँ तरीके का आता है। हाँ ओके ओके, तो हाँ आप वो तो वो जो उसमें आपने प्रिपरेशन अटेम्प्ट थी। दिया, एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस आप लेकर आए जाकर, तो उसमें कोई एसएच आप ज्यादा प्रिपेयर तो नहीं करके गए, बट एक्सपीरियंस आपने लिया, तो वो एक्सपीरियंस की क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब वो जो एक्सपीरियंस आप लेकर आए उससे आपको ऐसा क्या मिला जानने को, सीखने को, और आपने उसे कैसे आगे इम्प्लीमेंट किया अपनी प्रिपरेशन जर्नी में? हाँ तो सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया अपना तो मुझे समझ में आया कि पेपर इतना आसान नहीं है पहली चीज, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं अकाउंट्स के एग्जाम, अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो मुझे लगता था कि ये सब कर लिया तो JRF भी हो ही जाएगा, पर मैं गलत था। तो मेरे को समझ में आया पेपर इतना आसान नहीं होता, और दूसरी चीज इसमें कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें इतने सारे यूनिट्स हैं। तो दूसरी चीज ये समझ में आया कि सबको पढ़ना है अच्छे से, जो स्ट्रांग एरिया है वो भी और जो वीक एरियाज है वो भी। तीसरी चीज समझ में आया टाइम मैनेजमेंट चाहिए इसमें। मेरा पेपर छूट गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ओके तो मेरे को समझ में आया कि मुझे PYQs लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस जी करनी पड़ेगी, जी और उसकी बदौलत ये हुआ कि इस बार मेरा बिफोर टाइम ही खत्म हो गया था। मतलब पांच ओके दस मिनट पहले मैंने पेपर खत्म कर लिया था अपना, ओके मैं रिवाइज कर रहा था कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है, इतना टाइम बच गया था। ओके तो ये चीज सीखने को मिलती है कि पेपर जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने सिर्फ इसीलिए भरा था कि जब मैं तो मुझे आइडिया लग जाए कि क्या है, और ठीक थोड़ा है मैं जो ओवर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट था वो भी मेरा सारा का सारा जो है ओवर कॉन्फिडेंस हट गया था, तो ठीक मैंने है पढ़ना ठीक अच्छे है से चालू ठीक है। तो बिल्कुल, किया। सिलेबस को समझने से पहले एग्जाम को समझना जरूरी है, और एग्जाम की जरूरी समझ है। आपको हाँ इस पहले अटेम्प्ट से मिल गई। तो अभी ये वाला जी अटेम्प्ट आप जी देकर आए, आपने समय से पहले कंप्लीट कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि इस बार मेरा JRF हो जाएगा, या फिर अभी भी थे डाउट्स की कुछ नहीं पता? नहीं सर, ऐसा कि जैसे नेट का तो क्लियर था ही पहले से,
मतलब पेपर देने से पहले पता होता है कि हाँ इतनी कट ऑफ गई है, तो लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर आपकी वीडियोस में आपने बताया है बहुत बार, तो नेट का हाँ थोड़ा बहुत लग रहा था, पर जेआरएफ का ऐसा कोई कुछ कह नहीं सकता कि क्लियर होगा नहीं होगा, जी क्योंकि वो तो हमें नहीं पता कि बाकी बच्चे कैसा कर रहे हैं। जी बट जब वहाँ पेपर दे के आए थे तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये हो गया था कि नेट तो 100% हो जाएगा, इतना जी पेपर देने के बाद मैं समझ गया था। पर जेआरएफ का मैं ऐसा कोई कभी श्योर नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि मान लूंगा कि हाँ हो ही गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो तो जब रिजल्ट आया तभी मुझे पता तो चला कि अंदर हाँ से हो गया आपको है फीलिंग आ रही थी नेट। कि आपने 100% दे दिया, या फिर अभी भी लग रहा था कि अभी और भी कुछ हाँ वर्क किया जा सकता है? नहीं, ये तो लग रहा था कि हाँ कि दे दिया है, अपना तो दिया है पूरा, ये तो जी लग रहा था। एग्जाम देने के बाद जब मैं आया तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन था कि मैंने अपने एंड से पूरा किया, बाकी जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। जी मैंने जी अपने जी से जी जो देना था मुझे मैंने ठीक है दिया था। हाँ जी। ठीक है। तो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, 6 months आपने लगाए, तो ऐसा कुछ रहता था कि डेली आप इतने घंटे पढ़ते थे, या ऐसा कुछ आपने सेट किया होता कि इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है डेली बेसिस पे? मतलब डेली में कुछ ना कुछ पढ़ ही लेता था, ऐसा कुछ वो नहीं था कि एक नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर लूँ मैं, बट मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ लेता था। जैसे आपकी वीडियोस कुछ देख ली या पेपर के एनालिसिस देख लिए, कुछ ना कुछ मतलब डेली पढ़ना है, कुछ कोई दिन छोड़ता नहीं था। मतलब हाँ एक आध दिन छूट गया तो गलती से तबियत खराब हो गई या कहीं इमरजेंसी काम है तो अलग चीज़ है, ठीक लेकिन है डेली में पढ़ लेता था कुछ ना कुछ। हाँ, और जी। मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी थी, तो उसमें लिखता था मैं कि ये डे वन है, तो डेट डालता था और लिखता था कि मैंने क्या पढ़ा आज, फिर अगली डेट डालता था मैंने क्या पढ़ा, तो इससे मुझे थोड़ा सा याद रखता था कि मैंने क्या उन सा दिन स्किप कर दिया, तो ओके वो कंटिन्यूटी बन जाती थी। हाँ, एक्सेल शीट ओके में ठीक मैं नोट करता था। है। तो वो आपको मोटिवेशन रहता था कि अरे आज मेरे को एक्सेल शीट भरना है, तो कुछ पढ़ना है तभी वो शीट भरा जाएगा, अदरवाइज वो ब्लैंक रह जाएगा। हाँ, कह सकते हैं वैसे मोटिवेशन की जरूरत तो नहीं पड़ती थी मेरे को, बट हाँ एक हैबिट में पता रहना चाहिए ना अपनी, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर ठीक है कितना हम ठीक है। काम कर रहे हैं अपने जो एग्जाम के जी लिए, जी इसके जी लिए। जी तो जैसे अभी आप बता रहे थे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो जैसे काफी सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, तो आपको क्या लगता है कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहिए, तो व्हाट शुड बी द ड्राइविंग फोर्स जो हमें मोटिवेट करे कि हाँ आपको पढ़ाई करना और इस एग्जाम को क्लियर करना है? जैसे आप कह रहे हैं कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती थी मोटिवेशन की, तो क्या चीज हाँ आपको नहीं, ड्राइव मेरे को करती थी? सर मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स ये था कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, जी और दूसरी चीज जैसे मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में जाना था, तो मुझे पता था कि उसके लिए डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए यही तरीका है सबसे अच्छा, और यही या फिर कह सकते हैं कि एकमात्र तरीका ही यही है। ठीक है तो मुझे पता था कि और रिसर्च करनी थी मुझे, तो ठीक मुझे है पता था जेआरएफ चाहिए होगा, ठीक तो है मेरे माइंड में यही था कि मुझे अगर ये करना ही है तो मैं मुझे मोटिवेशन क्या चाहिए, वो तो इनर मोटिवेशन हो गया कि मुझे यही करना है और मुझे अच्छा लगता है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल मोटिवेशन तो एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, पूरा 6 महीने साल भर थोड़ी चल पाएगा, वो तो आपको बिल्कुल अंदर से ड्राइविंग फोर्स आनी चाहिए कि आपको इंटरेस्ट किसमें है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर कंटिन्यू हो जाता है। ओके बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि देखो बाहर से मोटिवेट करके 1-2 दिन पढ़ा लेंगे, बट इंटरनली अगर आप मोटिवेटेड होगे तभी 6 महीने पढ़ पाओगे और अच्छा खासा पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे, तो क्वालिटी प्रिपरेशन आपका तभी हो पाएगा। तो संतोष जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिल रही हैं। अब संतोष जी आपने अपना ये वाला गोल तो अकम्प्लिश कर लिया है, तो फ्यूचर में अब क्या प्लान्स हैं आपके? अब कहाँ पे अब इंटरनली मोटिवेशन आ रहा है कि अब कहाँ कौन सी लाइन में जाना चाहिए? अब सर ये क्या कहते हैं, अब मैं होने से पहले तो बताऊंगा नहीं ठीक क्योंकि मैं कॉलेजेस के नाम तो लूंगा नहीं कि मुझे कहाँ जी रिसर्च करनी है, जी 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 वो तो अभी नहीं बोल सकता मैं, है ना। जी और मैंने चलिए। जेआरएफ का भी किसी को बताया नहीं था, घर वर में किसी को पता नहीं था कुछ, मैं कि मैं ये करने वाला हूँ ऐसा कुछ नहीं था, वो ओके एग्जाम होने के रिजल्ट आने के बाद ही बताया मैंने ओके ठीक कि है। हाँ हाँ अभी उनको इतना अंदाजा बस नहीं ये होगा शायद कि कि इतना कुछ कर लिया अभी आपने, और आगे बहुत कुछ और भी करना है। हाँ, तो वही रिसर्च का इरादा है, रिसर्च करेंगे साथ में पढ़ाएंगे, जी देखते हैं फिर जी जी जैसा जी ऊपर वाला चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपने मन में ठाना है, आई होप आई विश कि आप उस गोल को भी जरूर अकम्प्लिश कर लें। जहां भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, जहां भी पढ़ाना चाहते हैं, आप जरूर पढ़ाएं। एवर स्टडी क्लासेस की बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, और अपना नाम रोशन करें, हमारा भी रोशन करें, तो ज्यादा थैंक अच्छा यू रहेगा। और सर। इसके अलावा फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कुछ 1-2 बातें आप बताना चाहेंगे, कुछ उनको आप शेयर करना चाहेंगे जो एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ ढूंढ रहे हैं, उनको आप कुछ 2-4 शब्द बताना चाहेंगे? एक्सटर्नल मोटिवेशन मुझसे मांग रहे हैं जिसको जिसने कब कभी भी खुद नहीं लिया एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाने में या फिर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो या फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, और ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है अगर आप हर जगह से फंसे हुए हैं और आपको निकलना है कहीं ना कहीं, तो आपको ध्यान देना चाहिए पढ़ाई में। और क्या, और ये है कि अपना डेली जो एक्सेल शीट है वो आप यूज कर सकते हैं, ये मेरी ट्रिक जो है यूज कर सकते हैं, मैंने ये किया है। और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं सच में बता रहा हूँ, जिसने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की है, वो है PYQ।
आप कुछ ना पढ़िए मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप PYQ अगर लगाएंगे तो हर दिन PYQ अगर लगाएंगे जो उसके एनालिसिस है, खाली PYQ लगाने नहीं है, हर दिन अगर आप एक पेपर लगा रहे हैं 3 घंटे का, तो 3 घंटे फिर एनालाइज करने में भी लगाना पड़ेगा, और जो उससे सीखने को मिला है उसके एक्सप्लेनेशन से उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हर दिन अगर पेपर लगाएंगे, और ऐसा पेपर लगाइए कि अगर वही पेपर दोबारा आ रहा है तो 100% कर ले जाइए, इस तरह से एनालिसिस होगा तो ये JRF आराम से निकल जाएगा। क्योंकि मुझे जी पता है मैंने PYQ ने मेरे को कितनी हेल्प की है। जो लास्ट ईयर का पेपर था जून वाला 2020, जो ये वाला था 22 जी वाला जून वाला, जी इस पेपर से ही काफी कॉन्सेप्ट जो है इस बार आ गए थे दिसंबर में। बिल्कुल तो पेपर लगाने से हेल्प मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा, सिर्फ पेपर देने से नहीं होगा, हाँ, सिर्फ एनालिसिस रटने करना से, पड़ेगा। क्वेश्चन देखने से, आंसर देखने से नहीं बनेगा, अच्छे से नहीं नहीं एनालिसिस नहीं वो कीजिए। नहीं होगा। हाँ, अच्छे से करना पड़ेगा, जो टॉपिक दिया है उसका डिटेल में देख के फिर अपने नोट्स बना के उसको रिवीजन के लिए तैयार रखना पड़ेगा। जी जी और जी जी रिवीजन में शॉर्ट नोट्स, जितने शॉर्ट नोट्स रहेंगे उतने एंड टाइम में एक दो दिन में पढ़ा जाएगा, वरना इतने सारे सब्जेक्ट एक दो दिन में रिवीजन तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जितने शॉर्ट नोट्स रहेंगे अपने हाथ के उतने जल्दी रिवाइज हो पाएंगे लास्ट के 2 दिन में। जी मैंने यही किया था, मेरी डायरी बनी हुई थी ओके अलग अलग सब्जेक्ट्स की, हाँ, छोटी छोटी सी पत्ते पत्ते पेजेस थे, तो वो सारे रिविजन किए थे लास्ट के 2 दिन में, ओके तो उससे हो गया था काम। और PYQ से ओके तो प्रीवियस ईयर को सवाल जी लगाइए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, यही मंत्र है संतोष जी का। और बहुत अच्छा लगा इनके साथ आज जुड़ के, और बहुत सी बातें भी सीखने को मिली, एंड होपफुल कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको जरूर आज कुछ नया जानने को सीखने को मिला होगा, एंड दे विल डेफिनेटली फील मोटिवेटेड कि संतोष जी ने किया तो वो भी डेफिनेटली नेक्स्ट अटेम्प्ट पे अपने गोल को अचीव कर दिखाएंगे। तो आज यहाँ पे इस डिस्कशन को एंड करते जी हैं, मन तो नहीं कर रहा संतोष जी से अलविदा कहने का, बट अभी इस डिस्कशन को एंड करते हैं, और संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने का। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे भी अच्छा चलिए लगा आपसे बात करके बहुत। ओके, चलिए जी यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, आप देखते रहिए एवर स्टडी क्लासेस, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।